रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेयर स्नेकर के बारे में और आपको बताऊंगा कि रेयर स्नेकर में कितनी अर्निंग है, कितनी एनर्जी मिलती है डेली की, कितने पॉइंट्स मिलते हैं लेवल अप पे, और क्यों इतना कॉस्टली है, और क्या आपको रेयर स्नेकर बाय करना चाहिए या कॉमन या अनकॉमन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेप इन का पूरा ए टू जेड आपको गाइड करूं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले समझते हैं हम एनर्जी को कि रेयर स्नेकर में एनर्जी कितनी मिलती है। उसके लिए हम जाते हैं जी स्टेप इन के वेबसाइट पे। सही है, स्टेप इन की वेबसाइट पे जाके उनके वाइट पेपर पे देखते हैं कि रेयर स्नेकर में हमें कितनी एनर्जी मिलती है डेली की। सही है, आप देखें स्टेप इन पर हम आ गए। अब यहाँ पर गेमीफाई एलिमेंट्स है, सही है, उसके नीचे गेमीफाई सिस्टम है। अब एनर्जी सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बता देंगे कि ये हमें इतनी एनर्जी मिलती है। अगर हमारे पास एक अनकॉमन स्नेकर है तो हमें प्लस एक एनर्जी मिलेगी, मतलब अनकॉमन स्नेकर पे टोटल दिन की तीन एनर्जी मिलती है। सही, एक अगर स्नेकर है, और अगर आपके पास एक रेयर स्नेकर है तो एनर्जी के दो पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं एक स्नेकर पे जो आपको मिल रहा है। सही है, उसके अलावा दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, मतलब के टोटल एनर्जी के चार पॉइंट्स मिलेंगे एक स्नेकर पे। अब ये बात तो यहाँ पे तय होगी। सही है, अब चलते हैं स्टेप इन गाइड की तरफ और वहाँ मैं देखता हूँ कि इसकी अर्निंग कितनी है। पहली चीज़ के एक एनर्जी के चार पॉइंट मिलते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप रेयर स्नेकर पे लेवल अप करेंगे तो आपको आठ पॉइंट मिलेंगे। जिस तरह आप कॉमन स्नेकर पे लेवल अप करते हैं तो आपको चार पॉइंट मिलते हैं, उससे आप या तो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हो या रिजाइलेंस या कम्फर्ट या फिर लक इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, ये आप देखें। अब जब भी मैं लेवल अप करूँगा ना यहाँ पे अपने स्नेकर का, तो यहाँ पे मुझे चार पॉइंट्स मिलेंगे। सही है, अब चार पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉइंट का ऑप्शन है, तो इससे मैं चाहूँ तो मैं एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, रिजाइलेंस, लक, कम्फर्ट। अब क्योंकि मेरे पास कॉमन है तो इसलिए मुझे चार स्नेकर मिल रहे हैं। सही है, चार पॉइंट मिलते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये बात तय हो गई 100% कि आपको मिलेंगे एक दफ़ा अगर आप लेवल अप करेंगे तो आठ पॉइंट मिलेंगे आपको रेयर स्नेकर में। सही है, रेयर स्नेकर पे आते हैं। सही है, अब एनर्जी इसकी चार हो गई। सही है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले आपको प्राइस देख लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है रेयर स्नेकर की, जो कम से कम है। सही है, मैं मार्केट में आता हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ साइड में स्नेकर, और मैं सिंपली वॉकर पे जाता हूँ और रेयर पे क्लिक करता हूँ, और मैं सबसे लोएस्ट और चीपेस्ट प्राइस पे ना मैं देखूँगा कौन सा स्नेकर आता है। सही है, सबसे जो कम प्राइस में स्नेकर है रेयर का वो है जी 380 सोलाना। सही है, लोएस्ट प्राइस, और रेयर में ना लोग ज़्यादातर ना स्नेकर को मिंट नहीं करते। इस वक्त टोटल ना सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस में 6 रेयर स्नेकर है। सही है, 380 सोलाना का मतलब है 100 सोलाना, सोलाना की प्राइस आप देख लें। अगर आप सोलाना की प्राइस देखें तो इस वक्त सोलाना की प्राइस है जी यहाँ पे बाइनेंस में 101 डॉलर, यानी लगभग आप लगा लें 100 डॉलर। 380 मतलब 38,000 डॉलर का आपने एक स्नेकर लेना है, 38,000 डॉलर का रेयर स्नेकर है। अब सही है, रेयर स्नेकर पे अब अर्निंग कितनी है। सही है, अब इसको आप मिंट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेयर स्नेकर पे मैं आपको सस्ता एक और दिखा देता हूँ, मैं आपको जॉगर्स दिखा देता हूँ। सही है, जॉगर दिखा दूँ, देखो उसमें कितनी है। हाँ, जॉगर है 300। सही है, जॉगर है आपका 300 सोलाना का, यानी कि 30,000 डॉलर। सही है, आपको मैं दिखा देता हूँ इससे और सस्ता कोई है, रनर, रनर देखते हैं, रनर 289 सोलाना का है। रनर की मिसाल लेते हैं, अगर हम रनर लेते हैं 289 सोलाना का, जो इस वक्त सबसे कम है। सही है, ये रनर है, इसका 289 सोलाना इसकी प्राइस है। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि आपने 29,000 डॉलर आपने इस पर स्पेंड किए, और उसके बदले में आपको कितनी अर्निंग मिलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, अब मैं रेयर पे रनर पे आता हूँ। सही है, स्नेकर के लेवल शुरू में मैं 10 कर देता हूँ। सही है, 10 कर देता हूँ, मुझे डेली की एनर्जी के पॉइंट्स 4 मिल रहे हैं। सही है, और मैं 10 पे लेवल अगर मैं अपना
एफिशिएंसी का रखता हूँ वो मैं रखता हूँ जी, अगर एक इनर लेवल अप करने पे 8 पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं 10 पे तकरीबन 70 कर देता हूँ और 10 रिजाइलेंस कर लेता हूँ। देखो कितनी मुझे अर्निंग स्टार्ट होगी, सही है। तो 70 होगी मेरी एफिशिएंसी और मेरी 10 रिजाइलेंस, मतलब 25 डेली के मैं 25 GST अर्न कर सकता हूँ अगर मेरी एनर्जी ये है, सही है। इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि लेवल 10 हो तो मेरी 70 हो जाएगी। अब मैं इसमें लेवल 20 में आता हूँ, देखो लेवल 20 में मेरी कितनी अर्निंग हो सकती है। अगर मैं रेयर स्नेकर के लेवल 20 में जाता हूँ और मैं रिजाइलेंस को तकरीबन मैं करता हूँ 130 में कर लेता हूँ एफिशिएंसी और बाकी रिजाइलेंस करता हूँ, देखो कितनी अर्निंग होगी, सही है। ये टोटल 160 पॉइंट्स मुझे मिलते हैं जहाँ सकते हैं, और मैं जेम्स वगैरह भी ले लेता हूँ जो भी कर लूँ। मतलब ये सीन है कि 20वें लेवल पे डेली एनर्जी 4 मिल रही है मुझे, मेरे पास एक रेयर स्नेकर है तो मेरी डेली की अर्निंग जो होगी वो 38 GST होगी। 38 GST मतलब अगर 4.5 उसका GST तो लगभग आप लगा लें $180। अब $180 को अगर मैं 30 से मिनट में अभी 38 GST को मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये GST की प्राइस में देखता हूँ कितनी है, मोस्टली मैं इसको सर्च कर 4.67। अब मैं कैलकुलेटर में आता हूँ, 4.67 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 38 से, तो डेली मेरी अर्निंग है $177 अगर मेरे पास रेयर स्नेकर है। उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से तो मंथली अर्निंग हो जाएगी $5,000। अब $5,000 की मंथली अर्निंग है अगर मैंने $30,000 इन्वेस्ट किया है। आप खुद हिसाब लगा लें मेरी जो इन्वेस्टमेंट जो रिकवर होगी ना वो कम से कम ना करते हुए ना 4 महीने में जाकर रिकवर होगी, जबकि कॉमन स्नेकर अगर मैं लूँगा तो कॉमन स्नेकर इतने में मेरे पास, मैं कोई भी लेता हूँ अगर कॉमन स्नेकर, मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन की बात करता हूँ मैं आपको, अगर मैं कॉमन लेता हूँ सही है और ये सेम चीज़ लेता हूँ तो मेरे 12 सालाना मेरी जो है ना एक्सपेंस आएगा, सही है। अब 12 सालाना मेरा एक्सपेंस आएगा, अब उसको मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कॉमन स्नेकर में कितनी अर्निंग होगी डेली की और मेरी इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर होगी। अब इसका मैंने आपको बताया रेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में तकरीबन 4 महीने लगेंगे, लेकिन 4 महीने बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, मैंने $30,000 समझ लो वो मेरा प्रॉफिट है प्योर, उसको मैं किसी वक्त ना बेच सकता हूँ, सही है। हाँ लेवल अप कर दूँ तो मेरी 60 GST तक जा सकती है, 65 GST तक जा सकती है डेली अर्निंग, लेकिन वो 4 महीने में जाके मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है अगर मैं 20 लेवल पर हूँ। 30 पे जाऊँगा तो समझ लो 3 महीने में हो जाएगी रिकवर, और उसके बाद वो जो $28,000 का मैंने जो स्नेकर लिया है वो मेरा प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, जो रेयर स्नेकर है जो कि बहुत कम लोगों के पास है, सही है। तो ये तो फ़ायदा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट रिकवरी टाइम थोड़ा सा कम है। अब उसके मुकाबले में हम कॉमन पे आते हैं, सही। कॉमन पे मैंने 12 सालाना का यानी कि $1200 का एक स्नेकर लिया, सही है, और लेवल में सिंपली 10 करता हूँ, सही है। मैं इसको लेवल 10 पे लेके जाता हूँ और मुझे एनर्जी ना 2 मिलती है डेली की, सही है। लेवल को मैं 10 कर देता हूँ, एनर्जी 2, एफिशिएंसी मेरी 40, तो मेरी 7 GST डेली की अर्निंग है, सही है। 7 को मैं मल्टीप्लाई करूं 30 से, अगर मैं 10 लेवल पे जाता हूँ, अगर मैं 20 लेवल पे चला जाता हूँ, बिल्कुल मैं 20 लेवल ही करता हूँ मेहनत करके, शुरू में 10-15 दिन में 20 लेवल पे आ जाता हूँ। 20 लेवल पे अगर मेरी 70 एफिशिएंसी है, जो अभी करंटली मेरे पास स्नेकर मौजूद है 70 एफिशिएंसी है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट मिलते हैं अगर मैं लेवल अप करता हूँ कॉमन स्नेकर में, सही है। अनकॉमन में 6 पॉइंट्स मिलते हैं और रेयर में 8 मिलते हैं। लेजेंडरी का भी मैंने पढ़ा नहीं, उसको भी पढ़ के बताऊँगा, सही है। तो 70 और मैं 10 रिजाइलेंस कर लेता तो मेरी डेली अर्निंग 11 GST है, सही है, 11 GST है। अब मैं 11 GST को मल्टीप्लाई करूँगा 30 से,
मल्टीप्लाई बाय 30। मंथली मेरी अर्निंग है 330 जीएसटी, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 4.67 से, तो 1541 डॉलर मेरे बन गए हैं। यानी कि मैं 1-1.5 महीने में ना अपनी कॉमन स्नेकर की इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता हूँ, सही है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करें जो आपने लगाया है, उसके बाद स्नेकर आपके यार, वो आपका प्योर प्रॉफिट है। जब तक ले जाते हैं ले जाएँ, जितना लेवल बढ़ाते हैं बढ़ाएँ, लेकिन अपनी सीड मनी ज़रूर निकालें। तो ये था कॉमन और रेयर में। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप न्यूबीज़ हैं या जो भी है, तो आप कोशिश करें कि आप कॉमन स्नेकर लें, सस्ते भी हैं और इन्वेस्टमेंट में जल्दी रिकवर होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपना एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वो ये कि इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। यार सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा, सही है, मोटिवेशन मिलती है यार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।